अच्छा दिन तो नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं कह सकते। और देखो देखो बाल पकड़ के, सो आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन भी अच्छा नहीं था और द रीज़न इज बहुत द रीज़न इज कि सिचुएशन में अभी इतना अच्छा माहौल भी नहीं है कि आप बाहर जाए या कुछ करें, और मन भी मेरा अच्छा नहीं था। अभी सिलचर नहीं रहा बहुत, तो सिलचर में क्राइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि घर से निकलने में भी डर लगता है अभी। तो उसकी वजह से मेरा मन भी इतना अच्छा नहीं था, मैं इस वजह से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो चलो नया दिन है, नया फ्रेश है, रिफ्रेश करके एक ब्लॉग बनाती स्टार्ट करती हूँ। बहुत स्पेशल डिश बनाने वाले हैं मेरी काकी। सो इसे हम लोग कहते हैं खार, और खार को कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रिपरेशन क्या क्या चाहिए, ये तो मैं बता दूंगी वीडियो में। लेकिन आज जो बनाने जा रही है वो है खार। और ये जो है, ये जब थोड़ा थोड़ा जैसे कि बारिश थी तो ये ठंडा होता है, इसमें तभी बनाते हैं। गर्मी जब ज़्यादा धूप देता तब नहीं बनाते, तब बनाने से थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगता है बोल के तब नहीं बनाते। और हमारे दादाजी दादी माँ कहते थे खार को महीने में एक बार खाना चाहिए, ताकि आंतों की सफाई हो जाती है खार को महीने में एक बार खाने से, ऐसे बोलते, क्योंकि उसमें ना ऑयल लगता है ना कुछ लगता है, कोई भी मसाला नहीं लगता। तो इसलिए खार को मतलब महीने में एक बार खाना चाहिए, ताकि पेट की सफाई हो जाए, आंतों की सफाई हो जाए, और ये बहुत प्यूरीफाई करता है अंदर से, अंदर की सफाई करता है। तो चलो चलते हैं और खार को कैसे बनाते हैं मैं दिखाती हूँ। ये जो है, ये मिट्टी का बेड़ है, इसको लिपा जाता है, क्योंकि पहाड़ वगैरह सब काटने के बाद अभी घर लेपने का जो मिट्टी है वो पहाड़ से निकालते हैं हमारे यहाँ पे। पहाड़ को खोदते 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 बीच में से पहले सैंड मतलब धूल निकलता है, उसके बाद ये घर जो लेपते हैं इसको, ये वाला मिट्टी निकलता है। लेकिन अभी पहाड़ काटने के बाद अभी थोड़ा मुश्किल होता है वो निकालने का। और ये रहा दाल, इसमें क्या क्या दाल है आप देख सकते हो, चना दाल है और इसमें राजमा है। ये जो राजमा है ये घर का है, चना दाल और राजमे से आज हम बनाएंगे। और इस साइड में है ये बेम्बसूट को अच्छे से काट के बारीक करके काटा हुआ है, और साइड में है ये सोडा पाउडर। तो इन तीनों से बनेगा आज खार। पहले के ज़माने में खार एक पानी की तरह लिक्विड रहता था, जो घर के बुजुर्ग बनाते थे। और फिर हमने चढ़ा दिया कढ़ाई चूल्हे में, आज हम आग में बनाएंगे। सो जब तक पानी गर्म होता है तब तक काकी क्या करेंगे, काकी दाल को अच्छे से धो लेंगी। दाल को अच्छे से धोने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। बेम्बू सूट को भी डाल देंगे इस दाल के साथ, क्योंकि दाल के साथ एक साथ डालने से अच्छे से ही पकेगा। तो बेम्बू सूट को भी हम डाल देते हैं दाल के साथ। हल्दी का पत्ता, हल्दी मतलब घर में जो ऑर्गेनिक हल्दी लगाते हैं, कच्ची हल्दी, उसके पत्ते भी खार में जाएगा। तो काकी अच्छे से कूट के साइड में रख रही है, ताकि इसको डाल दे। और हल्दी का पत्ता मैं दिखाती हूँ आपको कितना बड़ा है, देखो कितना अच्छा है। ये बहुत नरम भी है और देखने में बहुत सॉफ्ट है, पकड़ते ही ये तो टूट जाता है। इस तरह का जो पत्ता रहता है उसको हम आज खार में डालेंगे। और ये नींबू का पत्ता, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से और आए।
और ये जब जो जितनी भी चीजें सब ऑर्गेनिक चीजें से बना रहे हैं ताकि टेस्ट भी रहे और बॉडी के लिए भी अच्छा रहे, वो शरीर के लिए भी। ये जो नींबू का पेड़ है ये हम लोग का घर का है और काकी इससे तोड़ के लेके आई है। पानी डालेंगे ताकि नीचे ना चिपक जाए। अभी डाल दिया सोडा। सोडा डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना पड़ता है, अच्छे से कढ़ाई करछी से अच्छे से फेंटना पड़ता है ताकि ये नीचे ना गिरे, क्योंकि जब हम सोडा डालते हैं ये ऊपर आ जाता है। तो काकी क्या करेंगी, अभी इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और ये है कि सोडा डालने के बाद जितने भी दाल थे, जितने भी बम्बू सूर था, वो भी पकना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको अच्छे से हम फेंट रहे हैं, आप देख सकते हो इसका जो झाग है वो निकल रहा है। तो इसको झाग को बाहर ना निकलने और झाग ना गिरे आग में बोल के इसको अच्छे से मैं फेंट रही हूँ। मैं तो खार पत्ता कहते हैं, तो मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ जिंदगी में। सो मैं देख रही थी कि ये कैसा पत्ता है, आप भी देख लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक भी तो डालना जरूरी है, क्योंकि हमने सब कुछ डाल दिया लास्ट में, नमक नहीं डाला। अगर पहले से हम नमक डालेंगे तो ये थोड़ा बड़बड़ हो जाएगा, तो हमने लास्ट में नमक डालना है। और नमक डालने के बाद थोड़ी करछी को और हिलाना है ताकि इसका जो झाग है वो नीचे ना गिरे, क्योंकि मेन जो फ्लेवर है वो झाग में है, तो झाग को नीचे गिरने नहीं देना है। और ये जो खार पाता है इसको भी ऐसे ही डालना है, काकी ऐसे ही डाल रही है। मैंने कहा काकी को थोड़ा कूट दो, काकी बोले कि नहीं इसको ऐसे ही डालना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो काकी ऐसे ही डाल के करछी हिला रही है, आप देख सकते हो। और मेरे ख्याल से आप भी सीख लीजिए खार बनाना, जिनको जिनको नहीं आता। बहुत जनों ने मुझे बोला कि गीता एक बार खार बना के दिखाना, तो मैं खार बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं आशा करती हूँ कि आप आज खार बनाना सीख गए होंगे और आप भी खार बना के जरूर खाइएगा, ये मेडिसिन है।
खाना खाने से पहले, सॉरी, पहले ब्रह्मा देव को भोग लगाते हैं हमारे गांव में, तो ये करते हैं। आपके गांव में करते हैं कि नहीं करते मुझे बताइएगा जरूर। और उसके बाद काकी भोजन करने बैठ गई। ये देखिए काकी थाली को प्रणाम करके अभी भोजन करेंगी। और हमारे में तो ये प्रथा है कि हम पहले थाली को प्रणाम करते हैं, और काकी जो है वो दूसरा भी साइड में रख रही है ताकि मैं लेके जाऊँ मेरी मम्मी के लिए, और काकी भी बैठी है ताकि वो भी खा सके। हमारे में ऐसे करते हैं, जब खार बनता है ना तो आस पड़ोस के सभी लोग आ जाते हैं ताकि खा सके, क्योंकि हर दिन नहीं बनता ये और हर कोई बना भी नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ, मैं भी खुद सीखूंगी। और ये काकी भोजन करते हुए, जानते ही होंगे इसके इतने बेनिफिट्स है। अगर आपको आयरन की कमी, आयरन डिफिशियंसी है, तो आप अगर इसको रेगुलरली हफ्ते में 2 या 3 बार खाते हैं तो आपकी आयरन की पूरी कमी ये फुलफिल कर देगा। और ये बहुत अच्छी है, तो बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, घर का है, तो और भी अच्छा है। क्योंकि मुझे घरेलू ऑर्गेनिक चीज़ें खाने का बहुत शौक है। और ये जो केले के फूल है ना, अगर आप इसको सब्जी बना के, दाल बना के भी खाते हो, या सब्जी बना के भी खाते हो, तो इसके बहुत पकौड़े बना के भी खाते हो, या बोल जैसे चावल के ऊपर, हम लोग तो चावल के ऊपर भी दे के इसको बोल करके खाते बिना नमक के, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है, जिससे आपकी आयरन की हर कमी को ये पूरा कर देता है। हफ्ते में 2 या 3 बार खाने से बहुत अच्छा होता है। और सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सर, लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस केले के फुल के पकौड़े। और इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो जैसे पकौड़े बनाते हैं वैसे नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं, और आलू टमाटर के साथ में बनाऊंगी, सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको मैंने बारीक काट लिया, केले के फूल को अच्छे से बारीक काट लिया है, ये बीच का है, इसको अच्छे से मैंने बारीक काट लिया है। और इसमें अब जाएगा बेसन जाएगा, इसमें हम पहले मैं डालूंगी बेसन, फिर उसके बाद डालूंगी हल्दी, मिर्च, नमक, जितना आपको चाहिए आप उतना डाल दो, जैसे पकोड़े नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं वैसे ही पकोड़े बनाएंगे हम इसके। और उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। ये पकोड़े खाने से भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं तो बहुत खाती हूँ इसको, क्योंकि मुझे आयरन की बहुत कमी है तो मैं इसको खाती रहती हूँ। और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, ताकि पकोड़ा जो है अच्छे से फूल जाए, और फिर उसके बाद अच्छे से मैं फेंट लूँगी।
ज़्यादा गर्मी हो लग रही थी मुझे थोड़ी देर के बाद. सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल. सो गाइज, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी छोड़ के जाइएगा. सो आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा. आप प्लीज़ खार भी बना के खाइएगा ज़रूर, खार बहुत बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए. सो थैंक यू.